सब्जेक्ट हिंदी। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब ठीक एंड सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, आगे के वीडियो में हमने पढ़ा था अंग्रेजी महीने एंड भारतीय महीनों के बारे में, ग्रेड 3 एंड सब्जेक्ट हिंदी। तो आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 26 एंड है प्राणियों के आवाजें। बच्चों, आगे हमने बहुत कुछ महीनों के बारे में पढ़ा था, है ना? तो आज है हमारा लेसन नंबर 26 और नाम है प्राणियों की आवाजें। बच्चों, प्राणियों की आवाजें, ये नाम देखकर ही आपको पता चल गया होगा। ऑफ कोर्स ये लेसन के अंदर प्राणियों की आवाजों के बारे में होगा। तो बच्चों, आज हम एक एक प्राणी के बारे में जानेंगे और उनकी कुछ आवाजें भी सुनेंगे कि वो कैसा बोलते हैं। ओके बच्चों, तो रेडी हो आप प्राणियों की आवाजें सुनने में और प्राणियों के बारे में जानने में? ओके बच्चों, तो पहला प्राणी है कुत्ता। बच्चों ध्यान से देखो, कुत्ता कैसा दिखता है? तो आपने देखा है ना कि कुत्ता कैसा दिखता है? यस, तो कुत्ते को हम पालते भी है, वो एक पालतू प्राणी है। तो कुत्ता कैसे बोलता है? भाई प्राणी है तो प्राणियों की कुछ ना कुछ अपनी आवाजें होती है। जैसे कि हम इंसान हैं तो हमारी आवाज है, उसी तरह प्राणियों की विभिन्न प्रकार की आवाजें होती है। तो कुत्ता कैसे बोलता है? कुत्ते की आवाज को क्या कहते हैं? तो कुत्ता भौंकता है। बच्चों सुनना चाहोगे कुत्ते की आवाज? ओके, चलो ध्यान से सुनो। बच्चों सुनी आपने कुत्ते की आवाज? ओके चलो, तो आज का हमारा दूसरा प्राणी है गाय। बच्चों देखो गाय कैसे दिख रही है, एक नहीं बल्कि कई प्रकार की सारी आप गाय देख सकते हो, है ना? तो गाय हमारी माता है, गाय हमें दूध देती है। आपने गाय देखी ही होंगी, है ना बच्चों? चलो गाय कैसा बोलती है सुनना जाओगे? तो गाय की आवाज को कहते हैं रंभाती। गाय रंभाती है। तो बच्चों ध्यान से सुनना गाय की आवाज। सुनिए आपने गाय की आवाज? ओके चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा नंबर का आज का प्राणी है सींग। ये सींग और शेर दोनों एक ही है, शेर भी कहते हैं और सींग भी कहते हैं। ओके बच्चों, शेर यानी जंगल का राजा, है ना? ये जंगल का राजा यानी शेर। आपने देखा होगा शेर कहीं पे, आप प्राणी संग्रहालय गए हो तो आपने देखा होगा शेर कैसा दिखता है। यहाँ भी आप देख सकते हो शेर की तस्वीर है, कितने सारे बाल और इतना बड़ा उसका फेस दिख रहा है ना? हम तो देखकर ही डर जाए। आप जानते हो शेर कैसा बोलता है? शेर दहाड़ता है। शेर की आवाज को दहाड़ना बोलते हैं। तो सुनना चाहोगे भाई शेर की आवाज कैसी होती है? ओके बच्चों ध्यान से सुनना। बच्चों अब है भेड़ और बकरी। भेड़ और बकरी एक ही थोड़ी सी प्रजाति जैसी लगती है, दोनों की आवाज एक ही तरह की होती है। बच्चों देखो ध्यान से, भेड़ और बकरी कुछ एक जैसे ही दिख रहे हैं और आवाज भी बिल्कुल एक जैसी होती है। आपको पता है भेड़ के जो बाल होते हैं उन उसमें से ऊन बनता है। बकरी भी हमें दूध देती है, जैसे गाय दूध देती है वैसे बकरी भी हमें दूध देती है। बच्चों सुनना चाहोगे भाई भेड़ और बकरी की आवाज कैसी होती है? तो भेड़ और बकरी की आवाज को बोलते हैं मिमियाती। तो भेड़ और बकरी मिमियाती है। चलो बच्चों तो अब सुनते हैं इसकी आवाज। जाता है ना? और मेंढक की आवाज को क्या कहते हैं?
मेंढक की आवाज को कहते हैं टर्राना। तो मेंढक टर्राता है। बच्चों सुनना चाहोगे मेंढक की आवाज कैसी होती है? चलो ध्यान से सुनना। बच्चों सुनिए आपने मेंढक की आवाज कैसी थी, है ना, ड्रैबिक ड्रैबिक करके। यस ओके। तो अब हमारा अगला प्राणी है गधा। गधा, तो बच्चों गधे की आवाज सुनना चाहोगे कि गधा कैसे बोलता है? तो चलो ध्यान से सुनना। गधे की आवाज को रेंगना बोलते हैं। बच्चों अब हमारा प्राणी है बंदर। ध्यान से देखो बंदर। बंदर तो आपने कई जगह देखे होंगे, है ना, हमें कई जगह देखने को मिलते हैं। हम कहीं घूमने जाते हैं, वहां पर पेड़ पर कूदा कूद करते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाते हैं, है ना बच्चों। तो बंदर की आवाज सुनना चाहोगे कि बंदर कैसा बोलता है? ध्यान से सुनना बच्चों, ओके, कि बंदर की आवाज कैसी है। बंदर खौ खौ करता है। बच्चों अब है हमारा प्राणी घोड़ा। ध्यान से देखो घोड़ा कैसा दिखता है, है ना बच्चों, देखो ध्यान से। यस, घोड़ा दौड़ने में बहुत तेज होता है। बच्चों घोड़े की आवाज को हिन हिनाना बोलते हैं। तो घोड़ा हिन हिनाता है। तो सुनो घोड़े की आवाज। सुनना चाहोगे बच्चों आप कि हाथी की आवाज कैसी होती है? तो चलो ध्यान से सुनना कि हाथी की आवाज कैसी होती है। अब है हमारा एक पक्षी और वो है कबूतर। देखो बच्चों ध्यान से, कबूतर हमारे खिड़कियों में, घर की और कई सारे कोने में ज्यादा देखने को मिलते हैं ना, जहाँ हमारी ज्यादा आवन जावन ना होती हो। यस, वहां पर वो अपना घोंसला बनाते हैं। और वो कैसे बोलते हैं? तो घुटुरघु, है ना बच्चों। तो सुनो अब कबूतर की आवाज की कबूतर कैसे बोलता है। अब है हमारा आखिरी पक्षी और वो है बतख। देखो बच्चों बतख हमने देखी होगी कि वह तैरती है तालाब में, नदियों में, है ना, और वो कैसे बोलती है? तो क्वैक क्वैक, है ना, उनकी आवाज को क्वैक क्वैक बोलते हैं। तो बच्चों चलो ये आखिरी है हमारा पक्षी और उसे ध्यान से उनकी आवाज सुनो कि वह कैसा बोलता है। अच्छे से याद कर लेना है। थैंक यू।